अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज व्लॉग में जस्ट आपको स्पैगेटी बनाते हुए ही जस्ट इतना ही व्लॉग नज़र आएगा, और मैंने कहा चलें आज की हाज़िरी भी हम लोग डाल रहे हैं और आपसे थोड़ी बहुत बातें भी कर लें और साथ में एक रेसिपी जो है वो भी शेयर कर लें। एक्चुअली आज मेरा और हादी का जो है ना वो गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हादी को तो बुखार हुआ हुआ है। बस इसके साथ फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, इसके ऊपर मैंने, मेरे पास जो था ना गार्लिक पाउडर वाला था, तो वही वाला मैंने डाल दिए। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें इसको मैं ब्राउन करती हूँ, चिकन को इसकी बुनाई करते हैं। हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, हम वाइट पेपर शामिल करेंगे इस टाइम में। अब इसमें हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। अब इसमें हम ये जाएगी क्रश पेपर, अब इसमें हम क्रश पेपर ऐड करेंगे। मैंने इसमें कैरेट ऐड कर दी है, क्योंकि ये वाली जो है ना थोड़ा टाइम लेती है ना, पहले सब्जियों में सबसे पहले मैं ये ऐड कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आज ना सुबह सुबह मैंने एक सॉन्ग लगा लिया, वो मूवी जो थी ना बचपन में फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने हम लोगों को दिखाई थी, ये 1993 की मूवी थी, तो उसका बहुत अच्छा जो उसमें ना बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है बाप और बेटी के प्यार में ना, कि बाप अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करता है और बेटी अपने बाप से इतना ज़्यादा प्यार करती, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है उनकी आपस में ना। वो बड़ी इमोशनल सी मूवी थी, उसका सॉन्ग मेरे बच्चे भी गा रहे हैं सुबह से। दुख आते जाते हैं, ये आंसू खोना नहीं, अपने गम मुझे देना, तुम कभी रोना नहीं। पापा प्यारे प्यारे पापा, पापा प्यारे प्यारे पापा। ये देखिए कितनी वंडरफुल कलरफुल थी। इसमें हम ये बैल पेपर्स ऐड करेंगे, रंग बिरंगी सी, येलो रेड एंड ग्रीन, कितने खूबसूरत कलर अल्लाह ने बनाए हैं भाई। सब्जियों के कलर चेक करें ज़रा, इसको ऐड कर देते हैं इस दौरान हम। मेरा आज बिल्कुल भी इरादा नहीं था, मैं तो भाई बेड पे लेटी हुई थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको वहाँ से भी लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा हमने स्पैगेटी खानी है, और फिर क्या जी, माँ माँ होती है बच्चों के सामने। फिर जनाब सारी अपना बिस्तर एक साइड पे बांधा, और हमारी माएँ भी ऐसे ही करती थी वैसे, तो बल्कि हमारी माएँ तो बहुत ही ज़्यादा लाड उठाती थी भाई। ये फिर जो है ना, फिर हम उठे हैं, बेड छोड़ा है, और हम लग गए जी बच्चों के लिए स्पैगेटी बनाने। वैसे मैं आई थी यहाँ पे अपने लिए चाय बनाने के लिए, यानी कि चाय बना के पीती हूँ, चाय जो है साइड पर रह गई है जनाब। बच्चों की आवाज़ों को इग्नोर करें, बहुत शोर हो रहा है पीछे। अच्छा, इसको जो है ना वेजिटेबल्स, हमने इनको इतना ज़्यादा नहीं पकाना, इनको ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो वेजिटेबल्स हैं ये अपना जो है ना वो पानी छोड़ देंगी। ये आपको पता है जितना भी चाइनीज़ फूड है ये फुल आंच पे ही बनता है और बड़ी जल्दी बन जाता है। कि हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ, एक चम्मच ही लगा लें खाने का। ठीक है, उसके बाद हॉट सॉस है ये, मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों की और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम इतना ज़्यादा ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप इसको तकरीबन एक खाने का चमचा या दो खाने के चमचे इस्तेमाल कर सकते हैं। विनीगर डालेंगे, वो भी मैं बहुत थोड़ा सा डालूँगी, मेरा दिल है कि मैं डालूँ ही ना, क्योंकि मेरा और मेरे बेटे का गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन चलें थोड़ा टेस्ट के लिए। देखें सिर्फ इतना सा, ठीक है, टेस्ट देने के लिए सिर्फ ना, ये देखें। ठीक है, इस दौरान हमने इसमें ये ऐड कर दिए, थोड़ी सी सोया सॉस डाल लेती हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने बड़ी कम डाली हैं। अब यहाँ पे हम कैचअप ऐड करेंगे,
कितने प्यारे कलर लग रहे हैं देखो। अच्छा बच्चों ने कर दी स्पैगेटी की फरमाइश, फिर माँ तो माँ होती है, माँ ने अपना बिस्तर छोड़ा और बिस्तर छोड़ के जो है ना इनके लिए आगे स्पैगेटी बनाने के लिए मामा ठंडियाँ छावा एवं तो नहीं कहते। अच्छा जी अब इसमें हम डाल देंगे केचप, ठीक है इसको हम अच्छे से ज़रा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्पैगेटी ऐड करेंगे, ये देखिए जी अब हम स्पैगेटी इसमें ऐड कर देंगे। बस जब इसमें ये हम ऐड करते हैं ना तो इसको हलाते चलाते ना तो बड़ी कोई सब्र और तहम्मल के साथ जो है ना उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, इसको जो है ना मिक्स करना पड़ता है स्पैगेटी को और इन वेजिटेबल्स को आपस में ना। चलो फिर कुल मिल गए सारे भैन भाई इन्हें पार्टी हो गई, रल मिल के बैठ गए सारे। कलरफुल सी हमारी स्पैगेटी रेडी हो गई है, बड़ी यम्मी यम्मी सी। अब हम इसको इंजॉय करते हैं, देखें कितने प्यारे कलर जो है लग। बस उसके बाद अरसलान भी आके थे, फिर हम बच्चों के साथ बाहर चले गए, यही होता है बस यहाँ पे बस पे कहीं मर्जी चले जाएं, ये बोर्ड सामने ही होता है। हायरिंग 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 क्या बोलोगे आप? हेलो गाइस आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और लाइक करना चाहिए। गुड बस जी मेरे इतनी प्यारी मेरे बेटे की बात के बाद हम आपसे लेते हैं इजाज़त। आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मौसम भी चेंज हो रहा है हर तरफ, तो सब लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।